Good morning, students. Today we'll start our chapter 3. Okay, learning together. Learning together means learning मतलब सीखना. Together मतलब साथ में. आज हम साथ में सब सीखेंगे. क्या सीखेंगे? चलो, let us read a story about Rama who learns to read and write. एक लड़की है रमा, वो लिखना और पढ़ना सीख रही है. तो चलो हम भी सीखेंगे. The bell rang tring. It was recess. The children ran out of the classroom. अभी क्या हुआ, जैसे हमारी स्कूल होती है, फिर जब recess होती है तो बेल कैसे बजती है, ट्रिंग. उसी तरह से रमा की भी बेल बज रही है और क्या हो रहा है, recess हुआ है. सब बच्चे क्लास के बाहर भागने लगे हैं. Jia and Hussein had their lunch. Then they ran to the playground and started playing with a flying disc. The disc flew and fall and fell near a wall. They both ran to pick it up. Near the wall they saw a little girl. She was grazing her goat. अभी यहाँ क्या होता है, Jia and Hussein जो है वो अपना lunch finish कर चुके हैं और वो कहाँ भागे हैं, प्लेग्राउंड में. क्या करने, प्लेइंग, खेलने के लिए. किसके साथ, फ्लाइंग डिस्क के साथ. डिस्क मतलब वो प्लेट जैसी होती है ना, जैसी प्लेट होती है उसको हवे में उड़ाते हैं, फिर एक सामने वाला कैच पकड़ता है, उसे डिस्क कहते हैं. तो वो जो डिस्क है उन्होंने हवे में जैसी उड़ाया तो वो कहाँ जाके गिरी, एक वॉल, दीवार के पास गिरी. जब वो वहाँ पे भाग के गए देखने के लिए तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे एक छोटी लड़की क्या कर रही है, अपनी गोट को ग्रेजिंग कर रही है, मतलब उसको घास खाने के लिए लेके आई है वहाँ पे. द गर्ल स्माइल्ड एंड वेव एट जिया. जिया इन टर्न स्माइल्ड हर. अभी वो जो लड़की गोट जिसके पास है ना, वो उसको देख के स्माइल करती है. जिया भी उसे स्माइल करती है. Do you know her? Hussein asked. Hussein क्या पूछता है कि जिया तुम इसको पहचानती हो, कौन है ये लड़की. जिया said, yes, she is Rama. क्या बोलती है जिया, yes, मैं पहचानती हूँ, ये कौन है, Rama. Her father is a security guard of our apartment. इसके पापा कौन है, वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड है हमारी बिल्डिंग के. Hi Rama, what are you doing here? Asked Jia. Jia ने क्या पूछा, Hi Rama, तुम कैसी हो, क्या कर रही हो यहाँ पे. Rama replied, Didi, I love to come here every day. I want to go to school too. I want to read books like you. Rama कहती है Jia को, दीदी मुझे यहाँ रोज़ आना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे बुक रीडिंग करनी बहुत अच्छी लगती है. रमा, वी विल हेल्प यू रीड एंड राइट, जिया सेड. क्या बोलती है जिया, रमा मैं तुम्हें हेल्प करूँगी पढ़ने के लिए और लिखने के लिए. रमा क्या करती है, स्माइल देती है उसको. We will take you with us when we go to play in the park. We can sit under the banana tree and learn together, suggested Jia. फिर Jia ने क्या आइडिया दिया, Rama, हम लोग जब पार्क में खेलने जाते हैं ना तो हम वहाँ पे बैठेंगे बनियान ट्री के नीचे और हम वहाँ पे पढ़ेंगे, हम दोनों आपको हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए. ऐसा कौन कहता है, Jia. Soon the bell rang again. Jia and Hussein came back to their classroom. अभी बेल रिंग रिसेस ख़त्म हो गई, फिर से बेल बजी तो वो दोनों भाग के अपने क्लासरूम में आ जाते. कौन भाग के आता है, हुसैन एंड जिया. Keeping her promise, Jia taught Rama to read. On some days, Hussein would help too. He taught Rama to write. अभी जैसे उन लोगों ने उसको प्रॉमिस किया था ना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, तो उसी तरह से जिया और हुसैन दोनों उसकी मदद करते हैं. जिया उसे क्या सिखाती है, रीडिंग करना, मतलब पढ़ाई, रीड करना, बुक रीड करना,
और हुसैन क्या सिखाता है? लिखना, ठीक है. सून रामा लर्न टू रीड. द थ्री ऑफ देम वुड टुगेदर रीड एडवेंचरस स्टोरीज एंड फेरी टेल्स. She also learned to solve maths problems. They also solved number games together. Learning together is fun indeed. अभी क्या होता है, रामा तो पढ़ना सीख गई, लिखना भी सीख गई. वो तीनों एक दूसरे को पढ़ाते लिखाते थे, उन्हें अच्छी अच्छी स्टोरी एक दूसरे वो पढ़ते थे, फेरी टेल्स पढ़ते थे. और रामा को उन लोग ने क्या सिखा दिया? यस, मैथ्स. मैथ्स मतलब प्लस माइनस करना, नंबर रीडिंग, ओ एन ई वन पढ़ना, है ना, वो सब भी उन्होंने सिखा दिया. दे ऑल्सो सॉल्व नंबर गेम्स टुगेदर. जो गेम होता है ना, नंबर गेम, वो भी उन्होंने उसको सिखा दिया. अभी जब हम अकेले पढ़ते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं आता है. जब हम साथ में किसी के पढ़ते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर देते हैं. अगर उन्हों को कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो आपको हेल्प करते हैं. तो इससे क्या होता है, एक साथ पढ़ने से हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है, हमें बोर भी नहीं होता है, और हमें काफ़ी अच्छे से समझ भी आ जाता है. समझ आया? ओके, नाउ आई विल सेंड यू नोट्स दैट यू हैव टू कंप्लीट इट. ओके, एंड रीड द लेसन वंस अगेन. आई विल डू रीडिंग. ओके, लिसन नाइसली. द बेल रैंग ट्रिंग. इट वॉज रेसेस. द चिल्ड्रेन रैन आउट ऑफ द क्लास रूम. जिया एंड हुसैन हैड देयर लंच. देन दे रैन टू द प्ले ग्राउंड एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद अ फ्लाइंग डिस्क. द डिस्क फ्ल्यू एंड फेल नियर अ वॉल. दे बोथ रैन टू पिक इट अप. नियर द वॉल दे सॉ अ लिटिल गर्ल. She was grazing her goat. The girl smiled and waved at Jia. Jia, in turn, smiled at her. Do you know her? Hussein asked. Jia said, Yes, she is Rama. Her father is the security guard of our apartment. Hi Rama, what are you doing here? Asked Jia. Rama replied, Didi, I love to come here every day. I want to go to school. I want to read books like you. Rama, we will help you read and write, Jia said. Rama smiled. We will take you with us when we go to play in the park. We can sit under the banyan tree and learn together, suggested Jia. Soon the bell rang. Jia and Hussein ran back to their classroom. Keeping her promise, Jia taught Rama to read. On some day, Hussein would help too. He taught Rama to write. Rama would bring ripe guavas and share them with Jia and Hussein. The children enjoyed the guavas before going home. Soon Rama learned to read. The three of them would together read adventure stories and fairy tales. She also learned to solve maths problems. They also solved number games together. Learning together is fun indeed. Okay, now you all also do reading at your home. Okay, thank you.